हेलो एंड वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल रीजनोमेनिया। जानते हैं भाई आपको, मेरा नाम है अखिलेश त्रिपाठी। मेरे इंग्लिश वोकैब की वीडियो आपके रीजनोमेनिया चैनल पे, मेरे चैनल पे आ रहे हैं। और रीजनिंग के और जीएस के जो इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं वो केतन सर के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जा रहे हैं। देखिए, अभी मैंने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी जाकर एयरफोर्स का एग्जाम देना है, मैंने उनसे ये कहा था कि मैं उनके लिए बहुत जल्दी एक वन वर्ड सिचुएशन का वीडियो का पहले मैं वीडियो बना दूंगा, फ्रेजल वर्ब को मैं बाद में बनाता रहूंगा। हालांकि जानते हैं इस समय फ्रेजल वर्ब का सेशन चल रहा है, बट पेपर को देखते हुए, एग्जाम्स को देखते हुए मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ये वीडियो बनाया है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग इसको पूरा वॉच करिए और इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिए। चले भाई, टाइम को बिना बर्बाद करें हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा एग्नोस्टिक। देखिए एग्नोस्टिक कौन होता है, देखिए एग्नोस्टिक को जानने से पहले आप थीस्ट जान लीजिए भाई। देखिए एक होता है थीस्ट, जानते हो भाई आप लोग, थीस्ट माने क्या होता है भाई, आस्तिक जो ईश्वर को मानता है थीस्ट, और एथीस्ट माने क्या होता है भाई, नास्तिक जो ईश्वर को मानता है उसके लिए क्या लगाते हैं थीस्ट। ये आपने पढ़ा होगा भाई, थीस्ट जो ईश्वर को मानता है और एथीस्ट जो ईश्वर को नहीं मानता भाई। लेकिन एग्नोस्टिक कौन होता है, एग्नोस्टिक वो होता है जो ईश्वर के स्वरूप पर संदेह रखता है, जिसको ये लगता है ईश्वर है कि नहीं है, कि वो व्यर्थ में ही पूजा करे जा रहा है, मेरे धर्म के ईश्वर असली है कि दूसरे धर्म के ईश्वर असली है। तो ऐसा जो ईश्वर पर डाउट रखता है, गॉड के एग्जिस्टेंस पे डाउट रखता है, द पर्सन हु हैज डाउट अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, दिस पर्सन इज कॉल्ड एग्नोस्टिक। द पर्सन हु हैज फेथ अबाउट गॉड, दिस पर्सन इज कॉल्ड थीस्ट। द पर्सन हु हैज नॉट फेथ ऑन गॉड, द पर्सन हु डज नॉट बिलीव ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दिस पर्सन इज कॉल्ड एथीस्ट। जो मानता है वो है थीस्ट, जो नहीं मानता है थीस्ट। लेकिन जिसके मन में संदेह होता है, जो अपने मन में डाउट रखता है, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं भाई, एग्नोस्टिक। तो बताइए भाई, जो ईश्वर को मानता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीस्ट। जो नहीं मानता है एथीस्ट, और जो डाउट रखता है वो क्या होता है भाई, एग्नोस्टिक। क्या होता है भाई वो, एग्नोस्टिक। देखिए भाई एक और वर्ड है भाई, वो जरा आप लोग अच्छे देखिए, पैगन। पैगन माने क्या होता है भाई, पैगन माने होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म को नहीं मानता है, ऐसा व्यक्ति होता है पैगन। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग पैगन। और पैगन समझ लीजिए भाई आप लोग, बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी आ सकता है, द पर्सन हु डज नॉट फॉलो एनी रिलीजन, जो किसी रिलीजन को नहीं फॉलो करता है, दिस पर्सन इज कॉल्ड पैगन। चलिए भाई ये आपने मीनिंग पढ़ी, तो आप लोग को बताना भाई, जरा ये आप लोग बताइए जो मानता है वो कौन होता है, थीस्ट, और जो नहीं मानता ईश्वर को एथीस्ट, और जो किसी धर्म को नहीं मानता है पैगन, और जो ईश्वर के स्वरूप पर संदेह रखता है एग्नोस्टिक। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट माने क्या होता है, देखिए एल्ट्रुइस्ट माने होता है परोपकारी। एल्ट्रुइस्ट वो व्यक्ति होता है जो दूसरों की मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के, तो बिना किसी स्वार्थ के अगर दूसरे की मदद कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट माने परोपकारी, द पर्सन हु हेल्प्स अदर्स विदाउट एनी सेल्फिश, परोपकार करता है, दूसरों की मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एमेचर। एमेचर माने क्या होता है, देखिए एमेचर माने होता है जो शौक में कार्य करता है, ना कि पैसों के लिए। जैसे अधिकतर लोग तो पैसों के लिए कार्य करते हैं, मैं भी हूँ पैसे के लिए वर्क करता हूँ, क्योंकि घर चलाना तो पैसा तो कमाना ही, लेकिन कुछ लोग जो बहुत अमीर होते हैं या जिनका शौक होता है पैसा हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं होता है, तो ऐसे लोग जो बिना पैसे के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, बिना पैसे के लिए कार्य करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, मुख्य रूप से कला की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऐसे व्यक्ति क्या बोलते हैं हम लोग, एमेचर। द पर्सन हु वर्क विदाउट, हु वर्क फॉर हिज सेल्फ इंटरेस्ट, नॉट एज अ प्रोफेशनल, द पर्सन हु वर्क फॉर सेल्फ इंटरेस्ट Not as a professional, this person is called amateur. इसको हम लोग क्या बोले भाई, amateur बोलते हैं। तो amateur मतलब हो जाता है जो शौक में कार्य करता है, ना कि पैसों के लिए, इसको हम amateur बोल देते हैं। Altruist जानते हैं आप लोग, परोपकारी होता है, agnostic, theist, atheist, pagan आप लोग जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे क्या लिखा होगा, ambidextrous। देखिए ambidextrous क्या है, देखिए ambi माने होता है both, both बोले तो दोनों, और dexter माने क्या होता है, राइट हैंड। तो जिसके दोनों हाथ राइट हैंड बन चुके हैं, माने माने इसका ये होता है जो अपने दोनों हाथों का इक्वल स्किल से यूज करता है, जैसे दाएं का वैसे ही बाएं का, जैसे दाएं का यूज कर रहा है सिमिलरली बाएं का हाथ का यूज करता है, ऐसे व्यक्ति बोलते हैं एम्बिडेक्शस। आप लोग पिक्चर देखी हुई थ्री इडियट, तो थ्री इडियट में क्या होता है, जो वायरस होता है दोनों हाथों से लिख लेता है, दोनों हाथों इक्वल स्किल से प्रयोग कर लेता है। ऐसे ही हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो भी दोनों हाथों का प्रयोग करके लिख लेते थे भाई। तो जो व्यक्ति अपने दोनों हाथों का प्रयोग बिल्कुल समान कुशलता से करता है, इक्वली वेल से करता है, इक्वली स्किल से करता है, ऐसे व्यक्ति हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिडेक्स्ट्रस। बोलिए भाई आप लोग, एम्बिडेक्स्ट्रस। तो इसको बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस, जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग समान कुशलता से करे, इसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे देखिए क्या लिखा है आपको, एनार्किस्ट। देखिए एनार्किस्ट के लिए आपको एनार्की समझना होगा भाई, एनार्की माने क्या होता है, एनार्की या केओस,
एनार्किया केओस माने होता है अराजकता। एनार्किया केओस माने क्या होता भाई? अराजकता, इसी को बोलते हैं लॉलेसनेस। इसके आगे आप लोग लिखेंगे भाई लॉलेसनेस। तो एनार्की केओस माने होता है लॉलेसनेस, अराजकता। तो अराजकता जब एनार्की केओस माने होता है अराजकता, तो एनार्की माने अराजकता, तो एनार्की माने क्या हो जाए भाई? अराजकतावादी, अराजकता फैलाने वाला, वो व्यक्ति जो अराजकता फैलाता है, लॉलेसनेस करता है, केओस फैलाता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एनार्किस्ट। तो एनार्किस्ट माने क्या होगा? अराजकतावादी, अराजकता को फैलाने वाला। तो अराजकता फैला रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, नियम कानून को बिल्कुल नहीं मान रहा है, बवाल मचा रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। चलिए जरा देखते हैं भाई, हम लोग जरा एक बार देख लेते हैं एनार्किस्ट क्या होता है, बताइए भाई। अराजकतावादी। एम्बिडेक्स्ट्रस कौन होता है? जो अपने दोनों हाथों का समान कुशलता प्रयोग करता है, इसको बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। एमेचर, जो शौक में कार्य करता है ना कि पैसों के लिए, ऐसा व्यक्ति क्या होता है भाई? एमेचर। उसके ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट कौन होता है भाई? परोपकारी, दूसरे की मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के, एल्ट्रिस्ट। और एग्नोस्टिक तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है भाई? जो ईश्वर के स्वरूप पर संदेह रखता है, मानता है तो क्या बोलते हैं? थीस्ट। नहीं मानता है, एथीस्ट। और किसी भी धर्म को ना माने, पैगन। बहुत अच्छे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हम लोग यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। और यहाँ पे आते हैं एनार्की केओस पढ़ा था, जरा ध्यान दीजिए इधर। एनार्की केओस लॉलेसनेस माने जानते हैं भाई अराजकता होता है, अराजकता जानते हैं भाई आप लोग, कानून का उल्लंघन करना। आगे देखिए क्या लिखा, एपो स्टेट। देखिए एपो स्टेट, एपो स्टेट क्या होता है? स्टेट माने क्या होता है? एक तो स्टेट माने राज्य होता है, और स्टेट माने अवस्था भी होता है। आपको पढ़ा भाई केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट। तो स्टेट माने अवस्था, और एपो माने बदल लेना, अब अवस्था बदल लेना। तो आज मेरी कोई अवस्था थी, कल मैंने अवस्था अपनी बदल ली, इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब होता है धर्मांतरण कर लेना, एक धर्म से दूसरे धर्म में अपने आप को परिवर्तित कर देना, ये होता है एपोस्टेट। ऐसा व्यक्ति को बोलते हैं एपोस्टेट, जो धर्मांतरण कर ले, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेड। आपको जानते हो भाई कन्वर्टेड, जरा एपोस्टेट के आगे आप लोग लिखिए कन्वर्टेड। तो कन्वर्टेड वो जो धर्मांतरित होता है, तो एपोस्टेट कन्वर्टेड माने धर्मांतरित। द पर्सन हु चेंज हिज रिलीजन, द पर्सन हु चेंज हिज फेथ, जो अपने रिलीजन को चेंज कर देता है, जो अपने फेथ को चेंज कर देता है, दिस पर्सन इज कॉल्ड एपोस्टेडियन, और या फिर कन्वर्टेड। अच्छा एक और होता है रेनेगेड, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। रेनेगेड वो होता है जो स्वधर्मांतरित होता है, जो अपने मन से अपना धर्म बदल लेता है, अपनी इच्छा से अपने धर्म को त्याग के दूसरा धर्म अपना लेता है, इसे व्यक्ति बोलते हैं कन्वर्टेड, सॉरी रेनेगेड। देखिए कन्वर्टेड तो वो लोगों को बोला जाता है जिनको जबरन धर्मांतरण कराया गया है, जबरन जिनका धर्मांतरण हुआ है इनके लिए कन्वर्टेड लगा देते हैं भाई। लेकिन जिन्होंने अपने मन से अपना धर्म चेंज कर लिया है रेनेगेड, तो बताइए जबरन बनाया गया तो कन्वर्टेड, और अपने मन से अपना धर्म को चेंज करके दूसरा धर्म अपना लिया है रेनेगेड। और एपोस्टेट तो दोनों में लगा दिया, धर्मांतरित होता है इसका मतलब, तो एपोस्टेट रेनेगेड कन्वर्टेड, एपोस्टेट रेनेगेड कन्वर्टेड, बोलो एपोस्टेट रेनेगेड और कन्वर्ट। आगे देखिए क्या लिखा है आपका, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कौन होता है? आर्बिट्रेटर, हर शादी के बीच में एक आर्बिट्रेटर होता है, बिना आर्बिट्रेटर के विवाह नहीं हो सकता है। कोई भी कार्य, अधिकतर कार्यों में एक आर्बिट्रेटर की बड़ी जरूरत होती है। आर्बिट्रेटर माने मध्यस्थ, वो व्यक्ति जो मध्यस्थता करता है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग आर्बिट्रेटर। और इसी के आगे आप लोग लिखिए आर्बिटर, और इसी के आगे लिखिए मीडिएटर। तो आर्बिटर, आर्बिट्रेटर, मीडिएटर। आर्बिटर पहले इसको आप पढ़ेंगे नंबर एक पे, नंबर दो में इसको पढ़ेंगे, और नंबर तीन में आप जो है मीडिएटर पढ़िए, तो आपको जल्दी तैयार होगा। बोलिए आर्बिटर, आर्बिट्रेटर और मीडिएटर माने उसमें मध्यस्थ। तो आर्बिटर, आर्बिट्रेटर और मीडिएटर, ये मध्यस्थ होता है, वो व्यक्ति जो मध्यस्थता करता है, इसको बोलते हैं आर्बिटर, आर्बिट्रेटर और मीडिएटर। आर्बिटर, आर्बिट्रेटर और मीडिएटर आप लोग जानते हैं। और एपोस्टेट रेनेगेड कन्वर्टेड माने धर्मांतरित, जानते हैं भाई वो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखिए लिखा है आपका एस्थेटिक। एस्थेटिक माने क्या होता है? एस्थेटिक माने लिखिए भाई आप लोग सन्यासी, लिखिए भाई एस्थेटिक माने होता है सन्यासी, और इसी को बोलते हैं हम लोग रिक्लूज। रिक्लूज भी होता है सन्यासी, एस्थेटिक रिक्लूज दोनों का मतलब होता है सन्यासी। सन्यासी किसको बोलते हैं भाई? बात इसमें आती है, बहुत सारे लोगों को लगता है सन्यासी वो है जो अपना घर बार को त्याग दे, वो है सन्यासी। नहीं भाई ऐसा नहीं है, सन्यासी हर वो व्यक्ति है जो सारी सुविधाओं को त्याग दे, घर बार त्याग के कहीं पर अपने दोस्त यहाँ पड़ा हुआ है या फिर इंजॉय कर रहा है बाहर जाके, जैसे आजकल के सन्यासी करते हैं, तो वो सन्यासी नहीं भाई। सन्यासी वो है जो अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग दे, कहीं पर आना जाना है पैदल यात्रा करे, उसको जब विश्राम करना है सोना है तो बिल्कुल टाट बिछा के या फिर किसी सख्त फर्श पे ही आराम करे, अगर उसको भोजन करना है तो बिल्कुल सादा भोजन का ही ग्रहण करे भाई, हर एक का सम्मान करे, पूरी आस्था रखे,
समाज के किसी भी सुख सुविधा के लिए वो दौड़े ना, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं सन्यासी। एसेटिक रिक्लूज, क्या बोलते हैं भाई? एसेटिक और इसके आगे पढ़ा है रिक्लूज, सन्यासी। एसेटिक और रिक्लूज माने क्या होता है बच्चों? सन्यासी होता है। तो एसेटिक रिक्लूज मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, एक होता है आपका मंक। मंक माने क्या होता है भाई? सभी लोग जानते होंगे साधु होता है, और सेंट माने भी होता है साधु। बट सेंट क्या होता है? जो साधुओं का एक लीडर होता है, साधुओं के बड़े कैटेगरी में आ जाता है ये सेंट, उसको संत की उपाधि दे दी जाती है तो उसको सेंट बोलते हैं। तो मंक माने भी साधु होता है, सेंट माने भी साधु होता है, लेकिन ये क्या है? निचले दर्जे का कहीं ना कहीं, और सेंट क्या है? ऊंचे दर्जे का है। और महिला साधु के लिए हमने आपको बताया था भाई क्या लोग लगाते हैं? नन। महिला साधु के लिए क्या लगाते हैं भाई? हम लोग नन लगाते हैं। और मैंने ये आपको बताया है पुरुष साधु जा रहे थे उसको जगह क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्री। और जहां महिला साधु रहती हैं, नन रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ननेरी या कॉन्वेंट। तो ननेरी, कॉन्वेंट, मोनेस्ट्री आपको मैंने बताया है, शायद आपको याद हो भाई। लेकिन एक व्यक्ति होता है भिक्षु। भिक्षु की मीनिंग जरा देखिए भाई, ये मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन शायद आपको ना हो जरूर उसको लिख लीजिए। मैंडिकेंट। मैंडिकेंट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं भिक्षु। भिक्षु वो व्यक्ति होता है जो भिक्षा मांग के अपना गुजारा करता है, भिक्षा से अपने जीवन का यापन करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मैंडिकेंट। क्या होते हैं बच्चों? मैंडिकेंट। तो बताइए जरा आप, पुरुष साधु के लिए मांग और सेंट, महिला साधु के लिए नन, और भिक्षु के लिए मैंडिकेंट। चलिए अब आप लोग बताइए महिला साधु के लिए क्या लगाते हैं? बहुत अच्छे, नन। और भिक्षु के लिए मैंडिकेंट, और साधु के लिए मंक और सेंट, और सन्यासी के लिए एसेटिक और रिक्लूज। बोलिए एसेटिक और रिक्लूज। तो एसेटिक रिक्लूज माने होता है सन्यासी, समझ गए होंगे भाई आप लोग। लेकिन थोड़ा सा अंतर है एसेटिक रिक्लूज में, जो कि पेपर के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर पेपर में ये आता है द पर्सन हु डेजर्ट हिज ऑल ऑल प्लेजर, द पर्सन हु डेजर्ट हिज ऑल प्लेजर, वो व्यक्ति जो अपने सारे सुविधाओं को त्याग दे, अगर पेपर में ये लिख के आता है तो आप लगाएंगे एसेटिक। आप क्या लिखेंगे भाई? एसेटिक। और अगर पेपर में ये लिख के आता है द पर्सन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ, ऑस्टर लाइफ क्या होता है? सुख सुविधा रही जीवन। ऑस्टर लाइफ माने सुख सुविधा रही जीवन और बिल्कुल अकेले वाला जीवन, तो आप लगाएंगे रिक्लूज। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा भाई। अगर पेपर में आता है कि वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ, जो बिल्कुल ऑस्टर लाइफ जरा सुख सुविधा रही जीवन जी रहा है, तो इसके लिए आप लगाएंगे रिक्लूज। और जब ये लिखा है जो अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग दे, तो इसके लिए क्या लगाते हैं भाई? एसेटिक। तो एसेटिक रिक्लूज में यही अंतर है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दे रहे भाई। और मंक सेंट माने साधु होता है, नन माने महिला साधु होता है, और मैंडिकेंट माने क्या होता है भाई बच्चों? भिक्षु। तो एसेटिक रिक्लूज माने होता है सन्यासी, और मंक माने सेंट माने साधु, पुरुष साधु, नन माने महिला साधु, मैंडिकेंट क्या होता है? भिक्षु। ऑस्टर लाइफ क्या होता है? सुख सुविधा रहित जीवन। ऑस्टर लाइफ क्या होता है? सुख सुविधा रहित जीवन, वो जीवन जो सुख सुविधा से बिल्कुल रहित हो चुका है, इसको बोलते हैं ऑस्टर लाइफ। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे लिखे क्या लिखा? बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट के आगे आप लोग लिखिए इनसॉल्वेंट। इसके आगे लिखिए भाई इनसॉल्वेंट। तो बैंकक्रप्ट इनसॉल्वेंट माने क्या होता है भाई? देखिए, बैंकक्रप्ट इनसॉल्वेंट माने होता है दिवालिया। दिवालिया मतलब जो बैंक से पैसे तो ले लिया लेकिन बैंक को कर्जा चुकाने असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या लगाते हैं? बैंकक्रप्ट या फिर इंसॉल्वेंट। क्या लगाते हैं बच्चों? बैंकक्रप्ट या फिर इंसॉल्वेंट। द पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। द पर्सन हु इज अनेबल, अनेबल माने योग्य नहीं टू पे हिज डेब्ट, कि अपना कर्जा चुकाने की योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग क्या लगाते भाई? इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट। बोलिए भाई इंसॉल्वेंट, बैंकक्रप्ट। तो बैंकक्रप्ट इंसॉल्वेंट माने क्या होता भाई? दिवालिया। जैसे विजय माल्या बैंकक्रप्ट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए भाई, दिवालिया हो गए, भाग लिए भाई। तो बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट माने जानते हैं बच्चों आप लोग, दिवालिया होता है। तो अब इसको आप समझ गए हैं, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन ये भी याद रखना भाई, ये ना सोचना कि इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पेपरों में आया है, एसएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैंकक्रप्ट आप क्या पढ़ा था? इंसॉल्वेंट। तो बैंकक्रप्ट इंसॉल्वेंट माने होता है दिवालिया। आगे देखते हैं, आगे चलेगा बिगॉट। बिगॉट माने क्या होता है बच्चों? कट्टर, जो धर्म के प्रति या अपने विश्वास के प्रति बहुत ही कट्टर होता है, इसके लाते बिगॉट। जरा इसकी मीनिंग लिखिए भाई आप लोग। बिगॉट जानते होंगे भाई कुछ बच्चे, फैनेटिक, फिर क्या लगाते हैं? शाविनिस्ट, और लास्ट में क्या लगाते हैं भाई? हेरेटिक। तो बिगॉट, फैनेटिक, शाविनिस्ट, हेरेटिक माने क्या होता है भाई? कट्टर।
कोई व्यक्ति बड़ा पीगॉट है भाई, बड़ा फैनेटिक आदमी है, बड़ा शाविस्ट है, हेरेटिक है, माने कैसा व्यक्ति हो, बड़ा ही कट्टर व्यक्ति है। तो पीगॉट, फैनेटिक, शाविस्ट, हेरेटिक, ये कई बार मैंने आपको बताया। और शाविस्ट का स्पेशली अर्थ क्या होता है भाई, धर्मांध, जो धर्म में अंधा हो चुका है, ये होता है शाविस्ट। जैसे अधिकतर जो टेररिस्ट लोग होते हैं शाविस्ट होते हैं भाई, वो धर्म में अंधे हो चुके हैं पूरी तरह से, वो आतंकवाद का रास्ता अपना लिए हैं। तो ये शाविस्ट माने धर्मांध होता है, बिगॉड, फ्रेंटिक, शाविस्ट और हेरेटिक। मैंने ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव फंडामेंटल बताया रूढ़िवादी, आप लोगों को पता होगा भाई, बिगॉड ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव फंडामेंटल रूढ़िवादी होता है, और डॉगमेटिक माने क्या होता है, सिद्धांतवादी। तो मुझे लगता है ये मीनिंग आपको आती है, बताने की जरूरत नहीं है, इसको मिटा देना भाई। लेकिन बिगॉड आपको याद रखना कट्टर, जरा हम लोग रिविजन कर लेते हैं। तो बिगॉड माने क्या होता है भाई, कट्टर होता है, आप लोग जानते हैं। बैंकक्रप्ट इंसॉल्वेंट माने क्या होता है, दिवालिया। बोलो बैंकक्रप्ट इंसॉल्वेंट, बैंकक्रप्ट इंसॉल्वेंट माने दिवालिया। एसेटिक रिक्लूस माने क्या होता है, सन्यासी। एसेटिक रिक्लूस माने सन्यासी। मंक सेंट माने साधु, नन माने महिला साधु, और मेंडिकेंट माने क्या होता है, भिक्षु। ऑस्टर लाइफ, सुख सुधा रही जीवन। आर्बिट्रेटर, आर्बिटर, मीडिएटर, ये आपने दो मीनिंग और पढ़ी थी इसके बाद। आर्बिट्रेटर, आर्बिटर, मीडिएटर माने होता है मध्यस्थ, और एपोस्टेट कन्वर्टेड रेनेगेड, एपोस्टेट रेनेगेड कन्वर्टेड, ये होता है धर्मांतर। बोलो एपोस्टेट रेनेगेड और कन्वर्टेड, धर्मांतर। अब बिगॉड जानते हैं आप लोग, बिगॉड फ्रेनेटिक शाविस्ट हेरेटिक माने होता है कट्टर, बिगॉड फ्रेनेटिक शाविस्ट और हेरेटिक। और उसके ऊपर देखिए एनार्किस्ट, ये आपने यहाँ पे की मीनिंग पढ़ी थी भाई, एनार्की, केओस और लॉलेसनेस, अराजकता। एनार्की, केओस और लॉलेसनेस माने अराजकता, तो एनार्की माने अराजकता हो, तो एनार्किस्ट माने क्या हो जाएगा, अराजकतावादी। एम्बिडेक्स्ट्रस कौन होता है, एम्बिडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों समान कुशलता प्रयोग करता है, इसको बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। और एमेचर कौन होता है भाई, एमेचर जो शौक में कार्य करता है ना कि पैसों के लिए, ऐसे व्यक्ति के हम लोग लाते हैं एमेचर। और ऊपर लिखा एल्टुइस्ट, एल्टुइस्ट कौन होता है भाई, परोपकारी, जो दूसरे की मदद करता है, दूसरे की हेल्प करता है, विदाउट एनी सेल्फिश डिवोशन, विदाउट एनी सेल्फिशनेस, दिस पर्सन इज कॉल्ड एल्टुइस्ट। एग्नोस्टिक, जो ईश्वर के स्वरूप में संदेह रखता है, थीस्ट, मानता है ईश्वर को, एथीस्ट, जो नहीं मानता है। और पैगन कौन होता है भाई, जो किसी भी धर्म को ना माने, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, पैगन। तो देखिए मैंने यहाँ तक आपको लगभग 10 मीनिंग यहाँ क्लियर करा दी है, और 10 के अंदर करीबन कम से कम नहीं तो 20-30 मीनिंग आ चुकी होंगी भाई। तो वो आपने अंदर देखी भाई, यहाँ पर भी काफी मीनिंग आई, और कई जगह मीनिंग आई है, तो आपने देखा है 20 मीनिंग तो आई गई होंगी कम से कम। तो ये मीनिंग मैं आशा करता हूँ आपने लिख लिया हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखिए, आगे लिखा हुआ है बोहेमियन। देखिए बोहेमियन आगे आप लिखिए मैवरिक, मैवरिक, MEVERICK। बोहेमियन और मैवरिक माने क्या होता है भाई, देखिए बोहेमियन मैवरिक माने वो व्यक्ति होता है जो समाज की परंपराओं को, सोशल ट्रेडिशंस को, समाज की रीति रिवाजों को नहीं मानता है, समाज की परंपराओं को, रीति रिवाजों को नहीं मान रहा है, ऐसे व्यक्ति बोलते हैं बोहेमियन या फिर मैवरिक। तो बोहेमियन मैवरिक जो परंपराओं को ना माने, परंपरा विरोधी बन जाए, ऐसे व्यक्ति बोलते हैं बोहेमियन मैवरिक। क्या बोलते हैं बच्चों, बोहेमियन मैवरिक, बोलिए जरा, बोहेमियन और मैवरिक। देखिए भाई बोहेमिया जो सिंगर था उसने अपना नाम क्यों रख लिया बोहेमियन, देखिए उसका नाम कुछ और है, सुखविंदर सतविंदर, आई डोंट नो अबाउट इट, बट क्या हुआ कि सबसे पहले उसने परंपराओं को तोड़ दिया, रीति रिवाजों को तोड़ दिया भाई। हमारे यहाँ पर हिंदी, पंजाबी, हम लोग जितने भी गाने बनते हैं सारे गमा फादर जी से पर आधारित होते थे, लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहले उस व्यक्ति ने हिंदी और पंजाबी संगीत में रैप संगीत गाना चालू कर दिया, सबसे पहले बोहेमिया जिसका नाम है भाई। फिर उसने अपना नाम बदल के बोहेमिया रख दिया, क्योंकि परंपराओं को नहीं माना है, क्योंकि उसने तो परंपराओं को जो ना माने इसको बोलते बोहेमियन। देखिए थोड़ा सा अंतर है, बोहेमियन जो परंपराओं को ना माने बोहेमियन, और मैवरिक जो परंपराएं तोड़े, जबरदस्ती तोड़ रहा है, तो इसके लिए क्या लगा आपने, मैवरिक। तो नहीं मानता है बोहेमियन, और परंपराओं को तोड़ता है मैवरिक। बताइए भाई, परंपराओं को मानता ही नहीं है बोहेमियन, बिना लिखे बताया करिए भाई, और जो परंपराओं को तोड़ रहा है इसके लिए क्या लगाते हैं भाई, मैवरिक। क्या लगाते हैं बच्चों, मैवरिक लगाते हैं। तो ये आपने मैवरिक इसको पढ़ ली। आगे देखिएगा कैकोग्राफिस्ट, कैलीग्राफिस्ट, ये तो पता होगा। कैको माने होता है कुरूप, कैली माने सुंदर, कैको माने होता है कुरूप, हद्दा, बहुत बुरा, और ग्राफिक, देखिए कैको माने भद्दा, ग्राफ माने लिखना, आईस्टी माने व्यक्ति। तो कैकोग्राफिस्ट, कैको माने भद्दा, ग्राफ माने लिखना, ग्राफियन होता है वैसे, लेकिन ग्राफ बोल देना, आईस्टी माने व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी राइटिंग बहुत बेकार होती, बहुत ही भद्दा लिखता है, ऐसे व्यक्ति की क्या बोलते हैं हम लोग, कैकोग्राफिस्ट। क्या बोलते हैं भाई हम लोग, कैकोग्राफिस्ट, जो बहुत ही भद्दा लिखता है उसको बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट। और कैलीग्राफिस्ट जो बहुत ही सुंदर लिखता है, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती, देखिए आप लोग, तो ये कैलीग्राफिस्ट। तो मैं क्या हूँ भाई, कैलीग्राफिस्ट हूँ भाई, बहुत सुंदर लिखता हूँ, देख लीजिए भाई, आप लोग सामने देखने वाले हैं, आप लोग तो जानते ही हैं।
तो बताइए भद्दा लिखता है इसके लिए क्या है आपका भाई, कैकोग्राफिस्ट। और जो बहुत सुंदर लिखता है ये कौन है भाई, कैलीग्राफिस्ट। तो आप लोग क्या है, कैकोग्राफिस्ट। मैं क्या हूँ भाई, कैलीग्राफिस्ट हूँ। चलिए भाई ये समझ गए आप लोग। तो बोहेमियन, तो बोहेमियन माने क्या होता है, जो रीति रिवाजों को ना माने और मैं भी जो रीति रिवाजों को तोड़ देता है। कैनिबल क्या होता है, कैनिबल, कैनिबल माने होता है नरभक्षी, जो इंसान का मांस खाता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कैनिबल, नरभक्षी। क्या बोलते हैं बच्चों, कैनिबल नरभक्षी। जरा देखो भाई, एक होता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस कौन होता है भाई, जो शाक सब्जियों को खाता है, शाकाहारी जानवर होता है, शाकाहारी चीजें खाता है, ऐसे व्यक्ति जानवर को क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। जानवर की बात हो रही है। एक होता है आपका कार्निवोरस, कार्निवोरस कौन होता है, जो मांस खाता, जानते हो भाई आप लोग, जो घास फूस खा रहा है भाई, केवल घास फूस खाता है, पेड़ पौधे खाता है, पत्तियां खाता है, ऐसे क्या होता है भाई, हर्बीवोरस। और जो केवल और केवल मांस खाता है वो क्या है, कार्निवोरस। शेर, चीता, घड़ियाल केवल मांस खाते हैं, और गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ये सब क्या है भाई, ये शाकाहारी चीजें खाते हैं। तो ये क्या है भाई, गाय घोड़ा सब, गाय है, बैल, भैंस है, बैल है, क्या है भाई ये, और अच्छे हर्बीवोरस है भाई। और शेर, चीता, घड़ियाल, ये सब क्या भाई, तेंदुआ, कार्निवोरस है। अच्छा एक होता है ओमनीवोरस, ओमनीवोरस क्या होता है, सर्वाहारी, जो सब कुछ खाए भाई, मांस भी खा ले और जरूरत पड़ने पर रोटी भी खा ले, शाकाहारी चीजें भी खा ले। तो ऐसे क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। कुत्ता है, बिल्ली है, बिल्ली दूध भी पीती, बिल्ली चूहा भी खाती है, कुत्ता हड्डी भी खाता है, कुत्ता दूध भी पीता है, और कुत्ता रोटी भी खाता है, तो कुत्ता ये सब क्या हो गए, ओमनीवोरस। तो जो शाकाहारी जानवर है हर्बीवोरस, मांसाहारी जानवर है कार्निवोरस, और सर्वाहारी है ओमनीवोरस। लेकिन इंसान का जो मांस खाए इसके लिए क्या लगाते हैं बच्चों, इसके लिए लगाते हैं कैनिबल, क्या लगाते हैं इसके लिए हम लोग, कैनिबल। तो देखिए भाई जरा आप लोगों ने क्या देखा, आपने ये देखा जो शाकाहारी जानवर उसके लिए आपने हर्बीवोरस, जो मांसाहारी उसके लिए कार्निवोरस, और जो दोनों खा जाता है वो है ओमनीवोरस। तो बताइए जो केवल मांस खाता है उसके लिए क्या लगाते हैं, कार्निवोरस। और जो केवल शाक सब्जियों खाता है भाई, केवल शाकाहारी चीजें खाते हैं, इसके लिए क्या लगाते हैं, हर्बीवोरस। और जो दोनों चीजों खा लेता है इसके लिए क्या लगाते हैं भाई, ओमनीवोरस। चलिए और कैनिबल क्या होता है, नरभक्षी, वन हु ईट ह्यूमन फ्लश, वन हु ईट ह्यूमन फ्लश। फ्लश माने क्या होता है भाई, फ्लश माने होता है मांस, लेकिन कैसा मांस भाई, कच्चा मांस, कच्चे मांस के लिए क्या लगाते हैं, फ्लश। और मीट माने क्या होता है बच्चों, MEAT मीट, मीट माने होता है पका हुआ मांस, फ्लश माने कच्चा मांस, मीट माने पका हुआ मांस, फ्लश माने कच्चा मांस, मीट माने पका हुआ मांस। और जो केवल शाक सब्जियों खा रहा है हर्बीवोरस, मांस खा रहा है कार्निवोरस, दोनों खा लेता है ओमनीवोरस। और फ्लश माने कच्चा मांस, मीट माने पका हुआ मांस। और देखिए भाई मांस के बारे में बात करें तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे चिकन किसका मांस होता है, मुर्गी का मांस। मटन किसका होता है भाई, खाते हो आप लोग जानते होंगे, बकरे का मांस। फिर देखिए भाई होता है आपका पोर्क, पॉर्क किसका मांस होता है, सुअर का मांस। जो सुअर का मांस होता है इसके लगाते पॉर्क, क्या लगाते बच्चों, पॉर्क। और बीफ आप लोग जानते हैं भाई, बीफ गाय भैंसे का मांस। तो गाय भैंसे का मांस अब तो लोग गाय भी खाने लगे हैं, वो दिन दूर नहीं अब इंसान हर सारा व्यक्ति कैनिबल कहलाएगा। खैर क्या कर सकते भाई, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो केरला जैसा हालात तो आगे मिलेगा हम लोगों को भी। खैर हम अपनी मीटिंग से आते हैं, तो बीफ गाय भैंसे के मांस को लगाते हैं बीफ, और क्या होता है सुअर का मांस, चिकन मुर्गे का, और मटन किसका होता है, बकरे का। तो मुर्गे के मांस के लिए चिकन, बकरे के लिए मटन, चिकन मटन को आप लोग जानते हैं। पॉर्क बीफ आप लोग तैयार करना है 2 महीने, तो सुअर के मांस के लिए पॉर्क, क्या लगाते हैं बच्चों, पॉर्क। और गाय भैंसे के मांस के लिए क्या लगाते हैं, बीफ, बड़े का मांस बोल देते हैं मुस्लिम लोग, तो यही बीफ हो जाता है भाई। अच्छा और फ्लश माने क्या होता है, कच्चा मांस। फ्लश माने क्या होता है भाई, कच्चा मांस होता है, मीट माने पका हुआ मांस। मुर्गे के मांस को क्या बोलते हैं, चिकन। बकरे के मांस को क्या बोलते हैं, मटन। और सुअर के मांस को पॉर्क, और क्या नाम है गाय भैंसे के मांस को बीफ। चलिए और जो इंसान का मांस खा जाए ऐसे जानवर के लिए क्या लगाते हैं, ऐसे इंसान के लिए, क्योंकि जानवर भी होते हैं इंसान भी होते हैं, कैनिबल नरभक्षी, क्या लगाते हैं बच्चों, कैनिबल नरभक्षी। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे देखिए क्या लिखा, कोनाइजर, कोनाइजर के आगे लिखे कॉग्नोसेंट, कोनाइजर या कॉग्नोसेंट माने क्या होता है, देखिए कोनाइजर कॉग्नोसेंट माने होता है पारखी,
कोई व्यक्ति किसी चीज का पारखी है, अलग अलग चीजों का व्यक्ति पारखी होता है। जैसे कुछ लोग सोने के पारखी होते हैं, सोना देखते ही बता देंगे असली है नकली है, ये तो छोड़िए यहाँ पे बता देते हैं कितने कैरेट का है भाई, तो ये क्या है भाई, ये गोल्ड के मामले में कोनाइजर है, कॉग्नोसेंट है, पारखी है भाई। इसी तरीके से जो कॉम्पिटिशन होते हैं, डांस के कॉम्पिटिशन होते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, वहां पर कौन लोग बैठा लेते हैं, जूरी मेंबर जो पारखी होते हैं, जिनको परख होती, जो जानते हैं भाई आपको लगे बहुत अच्छा गाना गा इसका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं क्योंकि वो पारखी, उनको पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ये कोनाइजर कॉग्नोसेंट माने होता है पारखी, जिसकी नजरें बड़ी पारखी होती है कुछ लोगों की, ये होता है कोनाइजर कॉग्नोसेंट माने पारखी, जो परख ले भाई दूर से दे के बता दे असली है नकली है, तो ये होता है पारखी। यदि गाँव के लोग बड़े कोनाइजर होते हैं, कॉग्नोसेंट होते, बड़े पारखी होते हैं, घी को देख के बता देंगे असली है कि नकली है, गुड़ को देखते ही बता देंगे कि असली है कि नकली है, तो ये कोनाइजर कॉग्नोसेंट। कोनाइजर कॉग्नोसेंट माने क्या होता है, पारखी। क्या होता है बच्चों, पारखी। चलिए आगे देखते भाई, आगे देखिए कंटेम्परेरियस। तो कंटेम्परेरियस या कोइवल इसके यहाँ लगा दी, कोइवल COEVAL कोइवल। कंटेम्परेरियस कोइवल माने क्या होता है, समकालीन, एक ही समय के, जैसे दो राजा अगर एक ही समय कराए तो ये कंटेम्परेरियस कहेंगे भाई, कोइवल कहीं समझे यार। तो कंटेम्परेरियस कोइवल माने क्या होता भाई, समकालीन, जो एक ही समय के भाई, एक ही समय पर शासन राज करते थे, एक कोई व्यक्ति दूसरी जगह राजा राज करता था और दूसरा राजा किसी दूसरी जगह राज करता था, लेकिन दोनों एक ही समय के हैं, तो ये कंटेम्परेरियस कोइवल। क्या होता है बच्चों, कंटेम्परेरियस और कोइवल माने होता समकालीन, एक ही समय के, ठीक है ना भाई। तो हैविंग सेम पीरियड ऑफ टाइम या ऑफ द सेम पीरियड ऑफ टाइम, तो एक ही समय के भाई, तो ये लगा दे कंटेम्परेरियस कोइवल। बोलिए कंटेम्परेरियस कोइवल, कंटेम्परेरियस और कोइवल। तो ये कंटेम्परेरियस कोइवल लगाते हैं। कोनाइजर कॉग्नोसेंट जानते हैं भाई आप लोग, कैनिबल नरभक्षी जानते हैं भाई आप लोग, और हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये मैंने बताया भाई, जो शाक सब्जियां खाता है केवल हर्बीवोरस, और जो केवल मांस खाता है कार्निवोरस, दोनों खा लेता है। ओमनीवोरस कच्चे मांस के लिए, फ्लैश पके हुए मांस के लिए, मीट, चिकन, मटन, पोर्क, बीफ, याद है भाई आप लोग को? चलिए बहुत अच्छे भाई, अगर नहीं याद हो तो देख जरूर लें इसको। कैकोग्राफी जो बहुत भद्दा लिखता है भाई, कैकोग्राफी, कैलीग्राफी जो बहुत सुंदर लिखता है, वो हेमियन मैवरिक आप लोग जानते हैं। आगे देखते हैं कन्वेलिसेंट। देखिए कन्वेलिसेंट या रिकपरेट माने होता है स्वास्थ्य लाभ लेना। कन्वेलिसेंट या रिकपरेट माने क्या होता है बच्चों, स्वास्थ्य लाभ लेना। तो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए हम लोग लगाते हैं कन्वेलिसेंट रिकपरेट, कन्वेलिसेंट या रिकपरेट। तो कन्वेलिसेंट रिकपरेट माने होता है स्वास्थ्य लाभ लेना। देखिए जब किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी होती है तो कुछ समय तक अस्पताल में एडमिट रहता है हॉस्पिटल में, तो जब उसको रिलीज किया जाता है, छुट्टी मिलती है, तो उसको डॉक्टर क्या है, बेड रेस्ट के लिए देते हैं, बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं। हालांकि बेड रेस्ट नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है, बट क्या है, अब इसको बार बार सुनते सुनते जो बना दिया गया है, लेकिन वास्तव में ये क्या होता है, वास्तव में ये होता है कन्वेलिसेंट रिकपरेट, स्वास्थ्य लाभ लो गई जाती है। माने एक महीने आपका इलाज चला अस्पताल में, अब आप स्वास्थ्य लाभ दीजिए। स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए क्या करिए भाई, कहीं गांव साइड चले जाइए, शुद्ध वायु लीजिए, ऐसा भोजन खाइए जिसका जिससे आपका स्वास्थ्य बने, हरी सब्जियां खाइए, मोटे अनाज खाइए, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के थोड़ा सा हल्का फुल्का प्राणायाम कर लीजिए। तो ये होता है स्वास्थ्य लाभ लेना, कन्वेलिसेंट रिकपरेट। देखिए हमारे यहाँ पे बेड रेस्ट बोल दिया जाता है और लोग बेड पे बस लेटे रहे, उठते नहीं, वो मुझे बेड रेस्ट बोला कि तुम लेटे रही ना, अरे लेटेंगे तो आप और ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। बेड रेस्ट नहीं होता, स्वास्थ्य लाभ लेना होता है, अच्छी अच्छी चीजें खाइए, अपने स्वास्थ्य को मजबूत करिए, ये होता है कन्वेलिसेंट रिकपरेट, कन्वेलिसेंट और रिकपरेट। तो कन्वेलिसेंट या रिकपरेट माने होता है भाई स्वास्थ्य लाभ लेना, ये होता है कन्वेलिसेंट और रिकपरेट। आगे देखिए क्या लिखा है भाई आपका, कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन क्या होता है, देखिए कॉस्मोपोलिटन वो होता है व्यक्ति जो इस पूरी दुनिया को, पूरे पृथ्वी को अपना घर मानता है, जो ये कहता है, जो ये कहता है कि कोई देश अपना देश नहीं, ना कोई पराया है, ये पूरी पृथ्वी ही हमारा घर है। और देखा जाए कि ये पूरी पृथ्वी ही हम इंसानों का घर है, हम इंसानों ने पूरी पृथ्वी को सीमाओं में बांट लिया है, हम इंसानों ने इस पूरी पृथ्वी को सीमाओं में बांट लिया है, लेकिन देखा जाए तो ये पूरी पृथ्वी ही हमारा घर है। अगर पृथ्वी के किसी एक हिस्से पर भी अगर कोई गलत कार्य होता है तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट हमें भी उसका झेलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि पूरी पृथ्वी ही हमारा घर है, और जब तक पृथ्वी है तब तक हम सुरक्षित हैं, और जब पृथ्वी ही नहीं तो फिर क्या है, फिर तो कुछ है ही नहीं। तो वो व्यक्ति जो ये कहता है ये पृथ्वी मेरा घर है भाई,
ये जो ब्रह्म संसार ये पृथ्वी है यही मेरा घर है, दुनिया का कोई देश अलग नहीं है, सभी अपने हैं, सब लोग अपने, ये पूरा वसुधैव कुटुंबकम ही भावना रखता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा माने पृथ्वी, कुटुंब माने परिवार, कि पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्मोपोलिटन। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉस्मोपोलिटन। साइनोस्योर आकर्षण का केंद्र। साइनोस्योर क्या होता है बच्चों? आकर्षण का केंद्र, जो आकर्षण का केंद्र होता है। जैसे आप लोग मैरिज में जाते हैं वहां पे आपके लिए साइनोस्योर कौन होता है? आकर्षण का केंद्र क्या होता है? ब्राइड ग्रूम, दूल्हा दुल्हन। ब्राइड माने होता है दुल्हन, ग्रूम माने दूल्हा। तो दूल्हा दुल्हन हमारे लिए साइनोस्योर होते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, आकर्षण का केंद्र होते हैं। सभी लोग जाते हैं उनको देखते हैं। हाँ, भूखड़ों के लिए खाना होता है आकर्षण का केंद्र, वो खाने पीना देखने जाते हैं। छड़ों के लिए कुछ और होता है आकर्षण का केंद्र। तो ये साइनोस्योर होता है भाई आकर्षण का केंद्र। छड़े जाते हैं तो यही सोचते रहते हैं कि हमारा भी विवाह हो जाए तो हम भी आगे बढ़े कहीं ना कहीं। तो ये साइनोस्योर, हर व्यक्ति के अलग अलग साइनोस्योर है भाई, आकर्षण का केंद्र जो उसको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है भाई। तो साइनोस्योर क्या होता है भाई? आकर्षण का केंद्र। और कॉस्मोपोलिटन कौन होता है भाई? जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को अपना देश मानता है, पूरे पृथ्वी को अपना घर मानता है, इसको कॉस्मोपोलिटन। कन्वर्जन, रिकपरेशन, स्वास्थ्य लाभ लेना होता है, कंटेम्परेरियस कोइबल माने जानते हैं भाई आप लोग, समकालीन एक ही समय के भाई। और कोनाइजर कॉग्नोसेंट माने क्या होता है? पार्थी कैनिवल इंसान का मास्क आता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस जानते हैं भाई आप लोग, कैकोग्राफिस, कैलीग्राफिस जानते हैं, बोहेमियन। बोहेमियन क्या होता है भाई? जो परंपराओं को मानता नहीं और मैवरिक, जो परंपराओं को तोड़ता है। विगॉट, फेनेटिक, शाविश, हेरेटिक माने कट्टर होता है, जानते हैं आप लोग। बैंकरप्टसी इंसॉल्वेंट माने दिवालिया है, बैंकरप्टसी इंसॉल्वेंट क्या होता है? दिवालिया। एसेटिक, रिक्लूज माने सन्यासी, मंक, सेंट माने संत, नन माने महिला साधु, और भिक्षु के लिए क्या आते हैं? मेंडिकेंट। और सुख सुविधा रहित जीवन, आशा भाई। आर्बिट्रेटर, आर्बिटर, मीडिएटर माने जानते हैं, मध्यस्थ होता है, बीच बचाव जो करता है। एपोस्टेट, रेनेगेड, कन्वर्टेड, धर्मांतरण के जो करा लेता है, इसको एपोस्टेट, रेनेगेड और कन्वर्टेड। एनार्किस्ट, हमने आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था भाई? एनार्की, केओस, लॉलेसनेस माने अराजकता होता है। तो एनार्की माने अराजकता, तो एनार्किस्ट अराजकता फैलाने वाला। एम्बिडेक्स्टर, जो अपने दोनों हाथों का बिल्कुल समान कुशलता से प्रयोग करता है, एम्बिडेक्स्टर होता है। एमेचर, जो शौक में कार्य करता है ना कि पैसों के लिए, एमेचर। एल्टुस्ट कौन होता है? परोपकारी होता है। एग्नोस्टिक, जो ईश्वर के स्वरूप का संदेह रखता है, इसको एग्नोस्टिक बोलते हैं। और जो मानता है एथिस्ट है, जो नहीं मानता वो एथिस्ट है। और जो किसी भी धर्म को ना माने ये क्या होता है भाई? पैगन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैगन बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मीनिंग जितनी भी लिखी हुई है, लगभग ये 20 के आसपास में लगता मीनिंग लिखी हुई है, तो ये आपको क्लियर हुई होगी। साथ में इसके अंदर में जितनी मीनिंग है भाई, टोटल अगर आप निकालें तो कम से कम नहीं तो ये निकल आएगी जाके 3500 निकलनी आएंगे भाई आपके। तो ये 3500 मीनिंग जो मैंने आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया भाई, इनको आप अच्छे से तैयार करिए भाई। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक करिए भाई, अपने फ्रेंड्स जितने हैं उनमें शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई।